जिस देश में तिरंगे का सम्मान नहीं वो भीड़ किसान नहीं। आज हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन देशद्रोहियों ने राष्ट्र को नीचा बनाने के लिए इसे एक अवसर की तरह लिया। एक बार फिर हमारा देश दंगे का शिकार हो गया। हमारे लाल किले पे खालिस्तानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडे फहराए गए। पूरे विश्व की नज़र आज हम पे है, हमारे गणतंत्र दिवस पर है, लेकिन अपने देश को बदनाम करने में इन गद्दारों को जरा सा भी शर्म नहीं आई। केंद्र सरकार बार बार समझाती रही ये कृषि बिल किसानों के हित में है, लेकिन ये गद्दार सरकार की बात से सहमत नहीं हुए और बिल वापस लेने के लिए अड़े रहे। इस दंगे को देखकर CAA प्रोटेस्ट का दंगा याद आ गया। वही शाहीन बाग की आपाएं आज किसान बनी है। गोरखपुर में ऑक्सीजन घोटाला करके हजारों बच्चों की जान लेने वाला डॉक्टर काफिल खान ट्रैक्टर लेकर किसान बनके दिल्ली पुलिस पर हमला कर रहा है। इन सारे दंगों का मास्टरमाइंड विपक्ष है और वो बिचौलिए हैं जिनका इस कृषि बिल से दलाली खत्म हो गई। ये आतंकवादी जो किसान बने हुए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी को बुरी तरह से पीट रहे हैं, हाथ में तलवार लिए दिल्ली की सड़कों पर मीडिया वालों को और पुलिस वालों को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर, किसानों के नाम पर दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव किया गया है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खालिस्तानी, इन सबको जेल में डाला जाएगा।